विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीति अब जुबानी जुमलों और बयानों से निकलकर पोस्टर वार तक पहुंच गई है। भिंड शहर में कई जगह 50% लाओ काम कराओ के पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टरों में फोन पे के बार कोड पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो लगा है। ये पोस्टर लगाने के पीछे भ्रष्टाचार और कमीशनबाजी के आधार पर सरकारी काम करने को उजागर करना है। हालांकि भाजपा इसको असामाजिक तत्वों की करतूत बताते हुए कांग्रेस की शह बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे जनता के द्वारा सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश बताकर पोस्टर लगाने से साफ इंकार कर रही है। गौरतलब है कि इन दिनों प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी चर्चा में है। महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार और कमीशन के आधार पर सरकारी ठेके और काम कराने को लेकर कांग्रेस लगातार विद्रोह कर रही है। इसी बीच अचानक शहर में मुख्यमंत्री के फोटो के साथ इस तरह के पोस्टर लगने से मामला गर्मा गया है। शहर के बस स्टैंड, नगरपालिका परिसर के बाहर और भिंड ग्वालियर हाईवे सहित लगभग एक दर्जन जगहों पर कमीशन खोरी को इंगित करते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि भाजपा ने इस मामले में खुलकर तो कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा है कि विरोधी असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर सीएम को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। भाजपा इसकी जांच करवाने की बात भी कह रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जनता में भाजपा के प्रति आक्रोश है, जनता ने जैसा देखा है और जैसा भुगता है उसी को पोस्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जनता ही पोस्टर के माध्यम से शिवराज सरकार की कलई खोल रही है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की सरकार चल रही है, और भिंड की जनता किसी भी विभाग में जाए, कहीं पे भी जाए, सब जगह बगैर सीधा सीधा खेल चल रहा है कि एक हाथ दे जाओ दूसरे हाथ ले जाओ। तो इन सब चीजों से त्रस्त होकर भिंड की जनता ने शिवराज सरकार के यह पोस्टर लगाने का काम किया है, जो 50% कमीशन की यह सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, उनकी कलई खोलने का काम भिंड की जनता ने किया है। मुझे आपने अभी बताया कुछ असामाजिक तत्व है, चुनावी समय है, उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बन रही है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने युवाओं के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के जो काम किए हैं, इससे ये लोग हारते हैं, इसमें किसी राजनीतिक दल का भी हाथ हो सकता है, जानबूझ के ये लोग कर रहे हैं। आप इन पोस्टरों को लेकर कहीं शिकायत करेंगे या फिर? बिल्कुल शिकायत कराएंगे, किसने लगाए हैं, क्या इसकी जांच होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति जुबानी हमलों से लेकर पोस्टर बोर्ड तक आ गई है। भिंड जिले में दर्जनों जगह पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें बार कोड लगा हुआ है, और बार कोड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है कि 50% दे जाओ और काम करा ले जाओ। अब इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीति कर रहे हैं। भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है और कह रही है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस है, सीधा नाम तो नहीं ले रही है भाजपा, लेकिन कांग्रेस पर निशाना साध रही है और कह रही है कि असामाजिक तत्व ये पोस्टर लगाए हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि जो लोगों ने देखा है और जो लोगों ने जनता ने भुगता है, वो जनता इस पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित कर रही है। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, पोस्टर और के बाद अब देखते हैं भिंड की राजनीति में क्या उथल पुथल होती है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के लिए कौशल शर्मा, भिंड।